नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूपीएससी अड्डा 247 पे टू फोर सेवन देखिए रिसेंटली आपने काफ़ी न्यूज़ प्रेजेंट टाइम पर सुनी भी होगी और दरअसल ये जो न्यूज है कंटिन्यूटी में चल भी रही है महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस तो महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर दरअसल ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अब नई सरकार बनने वाली है या फिर महाराष्ट्र में हमें बड़ा पॉलिटिकल चेंज देखने को मिल सकता है यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं बहुत से आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं एक तरीके से जैसा हमें और स्टेट्स में देखने को मिला था पिछले कुछ सालों में वैसा ही महाराष्ट्र में प्रेजेंट टाइम पे देखने को मिल रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस शिवसेना आस्क ऑल एम एल टू अटेंड टू डेज फाइव पी मीटिंग अब यहाँ पर शिवसेना ने अपने जितने भी बागी एमएलए हैं इनको पांच बजे मीटिंग के लिए बुलाया है हम आगे जानेंगे कि दरअसल हुआ क्या है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सीएम उद्धव ठाकरे लाइकली टू रिजाइन आफ्टर कैबिनेट मीटिंग ऐसा भी कहा जा रहा है मतलब काफी चीजें हैं काफी न्यूज है और इस बीच में ये भी खबर है कि चौंतीस एम जो हैं वो एक शिंदे के पास में है मतलब गवर्नर के पास में इन्होंने एक लेटर लिखा है कि मेरे पास में प्रेजेंट टाइम पे 34 से ज्यादा एमएलए हैं और अब ऐसा कहा जा रहा है कि शिंदे कैंप के अंदर टोटल 46 सिक्स हैं जो प्रेजेंट टाइम पे रुके हुए हैं आसाम के अंदर हम जानेंगे पूरा ये जो न्यूज़ है इसको अच्छे से इसको प्रेजेंट करता हूं मैं मेरा नाम है सौरभ स्वामी अब देखिए यहां पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले कि महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान है इसके बीच में शिवसेना जिसकी सरकार है प्रेजेंट टाइम पे महाराष्ट्र में वो हार मानती नजर आ रही है और इसका इंडिकेशन दिया है शिवसेना के ही जो मंत्री है संजय राउत उन्होंने इन्होंने कई तरह के ट्वीट किए हैं कि हम फिर से जीतेंगे मतलब इस तरह की कुछ बातें जो हैं कही गई हैं पर शिवसेना के जो बागी विधायक हैं वो शिवसेना से नहीं संभल पा रहे हैं और देखा जाए तो पहले जो एकनाथ शिंदे थे उनके पास में चौतीस विधायक थे अब धीरे धीरे करके जितने भी शिवसेना के या अदर जो एम हैं वो कहां पे जा रहे हैं वो शिंदे कैंप में शामिल हो रहे हैं तो अब फिर से जो इलेक्शन है उसकी बात की जा सकती है महाराष्ट्र में लेकिन खैर इन सबसे पहले आपको ये जानना है दरअसल कि ये जो एक शिंदे हैं ये कौन है देखिए एक शिंदे जो है काफी बड़े मिनिस्टर माने जाते हैं महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं और इनके जो बेटे हैं वो लोकसभा में सांसद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो इनका जो करियर है वो एक तरीके से ऑटो ड्राइवर के रूप में शुरू हुआ था और नाइनटीन के अंदर ये शिवसेना में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे लेकिन 2004 के बाद में इन्होंने अपना जो पॉलिटिकल करियर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप किया है और देखा जाए तो जब बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी तो काफी ज्यादा एक्टिव मिनिस्टर माने जाते थे और प्रेजेंट टाइम पे ये जो है शिवसेना के साथ में एक तरीके से जो महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है उसमें मंत्री हैं अब इनके अंडर या इनके साथ में लगभग 34 जो विधायक हैं वो पहले गए गुजरात और अब वो आसाम पहुंच चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इन विधायकों की जो संख्या है वो अब बढ़ती जा रही है देखिए महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें टोटल सीटें हैं टू एट एट दो सौ अट्ठासी टोटल सीटें हैं अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट है जिनके पास में दो के अंदर से एक सीटें हैं इनमें से शिवसेना के पास में छप्पन है एनसीपी के साथ तिरपन है आई के साथ चौवालीस है तो देखा जाए तो मेनली जो तीन पॉलिटिकल पार्टीज है वो मिलकर एक महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है वो बनाकर महाराष्ट्र की सरकार चला रही है और इनके पास में टोटल एक सीटें हैं इसी बीच में यदि हम ओपोजिशन की बात करें तो विपक्ष में बीजेपी है बीजेपी के पास में 106 विधायक हैं छः एक सौ हैं उसके अलावा देखा जाए तो छोटे मोटे मिलाकर बीजेपी के पास में मतलब ओपोजिशन जो एनडीए है उसके पास में 114 सीटें हैं अब देखिए यहां पर हुआ क्या है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो 34 से ज्यादा विधायक लेकर अपने साथ में आसाम पहुंच चुके हैं अब यदि 114 में यदि आप 40 भी एवरेज माने और 40 भी जोड़ते हैं तो इसकी जो संख्या है वो बहुमत के आसपास पहुंच जाती है इसी वजह से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो सियासी संकट है वो काफी ज्यादा अहम होने वाला है और देखिए यहां पर आप एक चीज ये भी समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे जो प्रेजेंट टाइम पे सीएम है महाराष्ट्र के इनके साथ साथ में कौन कौन है तो इनके साथ साथ में शिवसेना तो है ही एनसीपी है ही कांग्रेस है ही और टोटल अदर जो पार्टीज हैं उनको मिलाकर एक सीटें हैं इसके साथ साथ यदि हम उद्धव के खिलाफ बात करें मतलब मान लीजिए यदि एकनाथ शिंदे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं अपने विधायकों के साथ में या फिर बीजेपी को समर्थन दे देते हैं और रिल इलेक्शन में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो उद्धव के खिलाफ कितनी सीटें हो जाएंगी यहां पर बीजेपी की 106 सीटें हैं शिवसेना के बागी चौंतीस हैं और निर्दलीय सत्रह है ही तो एक मतलब बहुमत का जो आंकड़ा है वो पार हो सकता है यहां पर इजीली अब दो के अंदर से यदि हम बात करें तो 145 जो है हमें बहुमत के लिए सीटें चाहिए होती है और देखा जाए तो यदि एक नाथ शिंदे बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं और सरकार बनाते हैं दूसरी तो आराम से इजीली यहां पर महाराष्ट्र में बड़ा तख्ता हमें देखने को मिल सकता है और शायद बीजेपी से जो कोई कैंडिडेट है वो नया चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है भी कैंप को 37 एमएलए का सपोर्ट होना जरूरी है रीजन क्या है कि ये 37 एमएलए जब इसके साथ में आ जाएंगे तो बीजेपी के साथ गठबंधन करते टाइम पे इनको बहुमत का आंकड़ा पार हो जाएगा और इस वजह से जो दल बदल का जो कानून है जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके तहत शिवसेना के जो एमएलए हैं इनको अयोग्य घोषित ना ही किया जाएगा ये पूरा रीजन आप मान सकते हैं तो प्रेजेंट टाइम पे सिंधे कैम्प के पास में सैतीस विधायकों की जरूरत है और बार सिंधे -बार ये क्लेम कर रहा है कि उसके पास में चालीस विधायक हैं और अब इनकी संख्या जो है वो छियालीस हो चुकी है अब देखिए यदि शिंदे कैंप इन गुट का ये जो ये जो आंकड़ा है ये कवर कर लेता है और बीजेपी को समर्थन देने में या फिर उसमें विलय होने का फैसला कर लेता है तो फिर महाराष्ट्र में सरकार बदल जाएगी अब देखिए थोड़ा सा एंटी डिफेक्शन लॉ के हम समझेंगे नाइनटी के नाइनटीन सिक्सटी सेवन के अंदर हरियाणा में एक मंत्री जिनका नाम था गयालाल ये जो मंत्री थे इन्होंने एक बार में तीन जो पार्टियां हैं वो बदली थी उसके बाद में एक तरीके से ये ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे थे कि कोई भी मिनिस्टर जो है वो कभी भी पार्टी चेंज कर सकता है तो नाइनटीन एटी फाइव के अंदर जब राजीव गांधी गवर्नमेंट थी तब सरकार ने संविधान में संशोधन किया और दल बदल पर, पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक जो है वो सरकार यहाँ पर लेके आई और एक मार्च 1985 से ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो लागू हो गया और संविधान की दसवीं अनुसूची के अंदर शेड्यूल में दल बदल विरोध कानून जो है वो स्थापित किया गया और इसी संशोधन के माध्यम से इसको संविधान में भी जोड़ा गया 52 टू अमेजमेंट यह आपको ध्यान रखना है 52 टू अमेजमेंट के तहत ये दसवीं अनुसूची में जोड़ा गया था तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है एंटी डिफेक्शन लॉ की अब देखिए इसके तहत जो मेन जो रूल है वो समझिए आप यहां पर अगर कोई विधायक जो है या फिर सांसद खुद की पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसे अयोग्य उसे डिसक्वालीफाई घोषित कर दिया जाता है लेकिन इस नियम के अंदर एक लाइन और लिखी हुई है वो लाइन ये है कि अगर किसी पार्टी के दो तिहाई विधायक या सांसद पार्टी बदलते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी ऐसा इसमें कहा गया है तो एंटी डिफेक्शन लॉ के काफी अल्टरनेटिव हमें हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं और दरअसल इंडिया में ही नहीं ये हमें विदेश में भी देखने को मिलते हैं विदेश में भी बहुत से एंटी डिफेक्शन लॉ के अल्टरनेटिव हैं और बहुत से देशों में एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो प्रेजेंट टाइम पर एक्टिव है अब यहां पर देखिए एकनाथ शिंदे जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि इनके पास में 40 एमएलए हैं आसाम के अंदर और अब इनकी संख्या जो है और भी ज्यादा हो रही है मतलब कुछ एम जो है वो मुंबई से आसाम के लिए रवाना हो रहे हैं और छियालीस से ज्यादा जो एम हैं इनका इनके पास में समर्थन है अब देखिए रीजन क्या है एक नाथ शिंदे की इस बगावत का जो रीजन है वो क्या है वो जानना भी जरूरी है देखिए देखा जाए तो जब से बीजेपी का जो साथ है वो शिवसेना के साथ में नहीं रहा है तभी से ये थोड़े से नाराज हैं रीजन ये है कि शिवसेना जो है इनका ये कहना है कि शिवसेना जो है बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र का अच्छा डेवलपमेंट कर सकती है साथ ही ये देखिए ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे तो इनके द्वारा तैयार किए गए कई प्रोजेक्ट जो है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर इसके अलावा शिंदे जो हैं वो रायगढ़ और पालघर के अंदर कुछ अफसरों की नियुक्ति चाहते हैं रीज़न क्या है रीजन आपको अच्छे से पता होगा कि पालघर और रायगढ़ में कई तरह के वायलेंस हमें देखने को मिलते हैं कुछ हिंदू जो लोग हैं जो धर्म गुरु हैं इनको मारा गया है मोबलिचिंग में तो इसी वजह से कुछ ऑफिसर्स की नियुक्ति जो है शिंदे करना चाहते हैं और यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने इसकी भी अनुमति नहीं दी है साथ ही इनका एक जो क्लेम है वो ये भी किया जाता है कि शिवसेना का जो हिंदुत्व है कि शिवसेना जो है वो हिंदुत्व से अब दूर होती जा रही है जो कि कहीं ना कहीं एक नाथ शिंदे को पसंद नहीं है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है बाकी और ही पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं लेकिन जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं उनके तहत आप ये मान सकते हैं तो शिंदे कैम्प का ये मानना है कि शिवसेना कांग्रेस और ये जो धर्मनिरपेक्ष गठबंधन है उसके कारण शिवसेना जो है वो हिंदुत्व की छवि जो है वो भूलती जा रही है और अब ये चाहते हैं कि जो शिवसेना है वो बीजेपी के पास जाए मतलब बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार जो है वो महाराष्ट्र में स्थापित करे लेकिन खैर हमें देखना और इसी बीच में जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी ये भी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है और अभी खबरें ये भी आई थी कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हैं बाद में इनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव भी आई है और हाल ही में अभी पाँच बजे इन्होंने जनता को संबोधित भी किया है और कुछ बातें कही है और देखा जाए तो शिवसेना ने यहाँ पर विप जो है वो भी जारी कर दिया है और ऐसा कहा गया है कि यदि कोई शिवसेना का जो एम है वो वापस शिवसेना में नहीं आता तो उसे रेस्टिगेट कर दिया जाएगा और उधर से शिंदे कैंप ने यहाँ पर ये जो विप जारी की गई है शिवसेना को उसको इनवैलिड जो है वो बता दिया है तो कई तरह के क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे हैं और इन सब की वजह से ही कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का सरकार बचाना वास्तव में काफ़ी ज़्यादा कठिन होता जा रहा है खैर हमें आगे देखने को मिल ही जाएगा कि क्या क्या होने वाला है महाराष्ट्र के अंदर की सरकार बनेगी किसकी सरकार एग्जिट करेगी और यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो कंप्लीट फाउंडेशन लाइव बैच जो है वो शुरू हो चुका है फॉर द 23 एंड 24 फोर यूपीएससीएससी और आप जो है इसमें प्री प्लस प्लस सी सेट तीनों की शानदार तैयारी कर सकते हैं बायलैंग्वल जो कोर्स है वो उन्तीस जून से शुरू होने वाला है तो इसमें एनरोल करना बिल्कुल भी ना भूलें अभी के अभी आप अड्डा टू फोर सेवन जो एप्लीकेशन उसे डाउनलोड कीजिए यूपीएससी वर्टिकल में जाते ही आपको इसकी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी तो ये जो कंप्लीट फाउंडेशन लाइव बैच है इसमें एनरोल बिल्कुल हो जाइए अभी क्योंकि तैयारी जो है आपको जरूर करनी है और अगले साल के लिए भी आप अटैम्प्ट दे रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण जो कोर्स है वो साबित हो सकता है इतने कम प्राइस सेगमेंट में इतना शानदार कंटेंट आपको शायद ही कहीं देखने को मिले तो इसमें एनरोल होना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही यू अड्डा और साथ ही अड्डा टू फोर सेवन जो यूपीएससी चैनल है उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले लाइक शेयर करें सो थैंक्स फॉर वाचिंग ये था इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे धन्यवाद